नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। दहेज के लालच ने फिर एक जान ले ली। रीवा नईगढ़ी निवासी विनीता का विवाह रीति रिवाज के साथ 2015 में मऊगंज के करैया निवासी विकास कुशवाहा के साथ हुआ था, जो सतना में कोलगवा सिंधी कैंप के पास अपने पति के साथ रह रही थी। माता पिता ने विवाह के समय ही दहेज और नगद राशि देकर बेटी को विदा किया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल वालों का मन नहीं भरा। वो विनीता को ताने दे रहे थे कि दहेज उनकी हैसियत से वह कम लाई है। बेटी ने घर में पिता को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पिता ने बेटी को ही समझाया कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और विनीता अपने ससुराल में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद से रहने लगी। विनीता को 4 वर्ष की श्रद्धा और 3 साल की संध्या नाम की बेटियां हैं, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं मिटी। विनीता के भाइयों का कहना है कि उसकी बहन की उसके जीजा विकास ने 5 लाख रुपए और एक बुलेरो के लिए उसकी हत्या कर दी। उसके पति के साथ ही ससुराल के परिवार पर भी आरोप है कि सब ने विनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ससुराल में सास देववती, ससुर राजेंद्र और जेठ ससुर राम नारायण वर्मा पर भी मृतिका को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। आइए सुनते हैं पीड़िता के परिजनों का क्या कहना है। संदीप कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? 488 नईगढ़ी थाना। क्या मामला लेके आज आए हैं? हरिबर, ये बहन का मर्डर हो गया है। कहाँ मर्डर हुआ है, पूरी घटना बताइए। सतना कोलगवा। क्या मामला लेके आए? रीवा एसपी ऑफिस आए हैं। मामला है मेरी सिस्टर के मर्डर का। कहाँ मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ सतना में। पूरा घटनाक्रम बताइए। था कोलगवा थाना के अंतर्गत पुरुषवाणी मोहल्ला सिवनी कैंप, सतना की बात है। 17/11/21 की बात है। 17 तारीख को सुबह 11 बजे हमारे पिताजी को फ़ोन आया ससुराल वालों की ओर से कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की आपके बहन के पति ने ही हत्या की है? वहाँ जाके देखने से तो यही पता चलता है। क्या पूर्व में भी कभी विवाद हुआ था दोनों के बीच में? हाँ, पूर्व में विवाद होता था और मेरी बहन पिताजी को बताया करती थी। किस बात को लेकर विवाद होता था? विवाद यही होता था कि दहेज उनके मुताबिक दहेज नहीं दिया गया। दहेज में क्या मांग करते हैं? दहेज में एक ब्लोरो और 5 लाख रुपये की मांग की जाती थी। अच्छा, दहेज न देने की वजह से ये सब हुआ? दहेज ना देने की वजह से मेरी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार। पूर्व में जैसे प्रताड़ित किया जाता, तो क्या कहीं आपने शिकायत दर्ज करवाई थी? नहीं, शिकायत नहीं दर्ज करवाई, हमने समझौता करवाया। अभी आरोपी पति कहाँ है? आरोपी पति अभी तो वहीं सतना में ही है। गिरफ्तार हो गया है? जी। नाम बताइए आरोपी का। विकास कुशवाहा। कहाँ पे आए हैं? हम 488 आगे एसपी कार्यालय हैं। ठीक है, करना शिकायत। क्या करना करें? किसका मर्डर हुआ है, कहाँ हुआ है? सतना में। किसका मर्डर हुआ है? हमारी लड़की। कौन किया है? उसके पति ने किया। पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या कैसे हुआ? 11 शाम के 16 तारीख के रात में हुआ था। बस 17 के रात में, मतलब फर्स्ट में हुआ हो। अभी हमको तो सारा उन दोनों के बीच कोई अनबन थी? अनबन तो है, कई बार मारपीट हुई थी। किस कारण से मारपीट करता था? पता नहीं, दहेज के कारण। अच्छा, दहेज के कारण। कब किए थे आप शादी? शादी 11 नवंबर 2015। आपको जानकारी कैसे हुई कि मतलब वो लोग हत्या कर दी? उनके लड़की के ससुर ने हमें फ़ोन किया 11 बजे दिन 17 तारीख। तो क्या बताया गया उनके द्वारा? उनके द्वारा बताया गया कि आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी, बस इसके बाद फोन पाए। तो वहाँ जब आप लोग घटनास्थल पर पहुँचे थे, क्या कहते थे? वहाँ तो हम पहुँचे थे, पुलिस और वो सब लोग पहुँचे थे। किवाड़ खुला था, लड़की पड़ी थी घर के अंदर। क्या पूर्व में भी ऐसी कोई घटना हुई थी मारपीट की? मारपीट तो कई बार हुई, एक बार मारे थे तो सिर में लगा, सिर फूट गया था। क्या करता है आपका दामाद? प्राइवेट वाहन चलाता है। मारपीट की वजह क्या थी? अभी तो दहेज। क्या क्या मांग करता था उसमें? गाड़ी, फोर व्हीलर। अच्छा, किस थाना क्षेत्र की घटना है? कोलगवा। तो थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं आप लोग? पहले तो हम नहीं कराए। नाम बता दीजिए अपना। शिकायत दर्ज कराए? अभी आप कहीं शिकायत दर्ज कराए? किस ग्राम से हैं आप? नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। रमाशंकर कुशवाहा। ठीक।
तो आप बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।